नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको एक और बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इस खबर का वास्ता है अरुण जेटली से और साथ में विपक्ष से और सरकार से। हम बात कर रहे हैं पीएसएल के मुद्दे की और संसद की। संसद में फिर से पीएसएल का मुद्दा उठा है और इस बार जो मुद्दा उठा है वो बहुत ही जबरदस्त उठा है। अकेले किसी एक मंत्री ने या केंद्रीय मंत्री या विधायक ने नहीं उठाया है, इस बार जो मुद्दा उठाया है विपक्षी ने भी मुद्दा उठाया और साथ में अरुण जेटली ने, जो कभी पीएसएल के सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने भी पीएसएल के बारे में क्या कहा है, निवेशकों के बारे में क्या कहा है। संसद में आवाज गूंज रही है पीएसएल निवेशकों की और सरकार तक ये खबर अब लगातार जा रही है। बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा और अरुण जेटली को और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ रहा है और साथ में अन्य जो विपक्षी गण है वे बार बार इस मुद्दे को महत्व दे रही है और 125 करोड़ निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए बहुत जी जोर से कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूं संसद में जो गूंज हो रही है। कई विपक्षी ऐसे हैं जिन्होंने सवाल उठाया है कि अब तक 2.5 साल हो चुके हैं और एसेट्स बेच करके पीएसएल के निवेशकों का पैसा क्यों नहीं दिया गया, आखिर इसमें किसका झोलमाल चल रहा है, इसमें किसकी मिली जुली भगत चल रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि 2016 में जब आदेश आ चुका था तो तब से अब तक क्या कोई ग्राहक सेबी को नहीं मिला, सेबी इतनी लेट लतीफ क्यों हो रहा है, इतने धीरे से कार्य क्यों कर रहा है। तो इस पर भी बहस हुई है और इसके जवाब में सेबी की तरफदारी करते हुए अरुण जेटली ने देखिए इस वीडियो में क्या कहा है, जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तो निश्चित है कि अब जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है उसी तरीके से अब पीएसएल निवेशकों के पैसा मिलने का रास्ता खुलता जा रहा है, क्योंकि संसद में गूंजना कोई मजाक बात नहीं है। अब सरकार के कानों को ये सुनना पड़ेगा, यदि सरकार ने अपने कान बंद कर रखे होंगे तो अब पीएसएल निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। ये हम 99% कहते हैं, अभी 1% की गुंजाइश है क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में है। मुद्दा गुंजा है विपक्षी तक ये मुद्दा हाथ लगा है तो हर विपक्षी चाहता है सरकार को घेरना। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके मतलब के, आपके जो मन के अंदर सवाल गूंजते हैं जिनका जवाब आप कमेंट्स में मांगने कोशिश करते हो वो जवाब नहीं दे पाते, मगर अब आपको इसमें बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हम आपको बता देते हैं कि जो निवेशक या जो भी दर्शक इस वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ देता है उन्हें अपने अधूरे सवाल उनके मन में ही रह जाते हैं और फिर वे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को समझ नहीं पाते और उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। ऐसा ना क्या करें, हम जो भी न्यूज लाते हैं वो सच्ची लाते हैं और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये मैं लेकर के चलता हूं आपको संसद की तरफ, जहां पर अरुण जेटली जी सेबी की पक्षधारी करते हुए, सेबी की तरफ से बोलते हुए किस तरीके से बात कर रहे हैं पीएसएल के बारे में। पूरी खबर बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक इस तरह का लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा और बराबर में घंटे का निशान इस तरह का दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको फायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं खबर। मान के सदस्य ने पब्लिक कंपनी के बारे में बताया कि किस तरह का दी है, तो उसके लिए प्रावधान जो है एक्ट में सेक्शन 74 जो है वो उन मामलों को कवर करता है जो कि 1/4/2014 के पहले के केसेज हो और 1/4/2014 के बाद के केसेज हो, उसमें सेक्शन 74 की बात है तो इमीडिएटली जो ही वो आएगा उसमें उसको बाद में वो अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसका फाइन जो है 1 करोड़ रुपया है मिनिमम और 10 करोड़ रुपए तक वो फाइन एक्सटेंड हो सकता है और अगर उसके बाद में भी वो डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो 7 इयर्स का पनिशमेंट है या 25 लाख रुपए मिनिमम फाइन है और ज्यादा से ज्यादा फाइन 2 करोड़ तक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर केस बाद का है तो उसके लिए भी प्रावधान है सेक्शन 76A में, तो
क्वेश्चन ये नहीं बताया वो किस कोर्ट में गए हैं, तो इस हिसाब से एनसीएलटी में प्रावधान है, उसके बाद में पनिशमेंट के लिए प्रावधान जो है वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट में है। पूछा था कि सेबी ने जो संपत्ति अधिग्रहित की है, क्या वो संपत्ति को के आधार पर उसको बेच करके निवेशकों को पैसा वापस दिलाया जाएगा। एक कंपनी जो पंजाब में थी ओरिजिनल यूज के बारे में, उस कंपनी के सामान्य सदस्यों को मालूम होगा, सेबी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सेबी के साथ ऊपर उसको सुपरवाइज करने की दृष्टि से लगा दिया है, ताकि उस कंपनी के जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनकी भी लिस्ट तैयार हो जाए, डिपॉजिटर्स ने कितना पैसा दिया हुआ है उसकी भी लिस्ट तैयार हो जाए, और उसके साथ साथ उस कंपनी के एसेट्स भी तैयार हो जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की देखरेख में सेबी सारे एसेट्स को कलेक्ट करना, उन एसेट्स को फिर बाजार में बेचना, और फिर डिपॉजिटर्स को उसका पैसा जिस हिसाब से प्रोरेटा वापस करना, उस कार्रवाई में लगी है। ये सही है कि बहुत अधिक मात्रा में, एक प्रकार से लाखों की मात्रा में देश भर में लोग हैं जिनको उस कंपनी ने एक प्रकार से जिनका पैसा मारा है, और प्रयास ये हो रहा है कि सारे एसेट्स रिकवर करके उन डिपॉजिटर्स को जितना अधिक से अधिक साधन वापस किए जा सकते हैं उन एसेट्स में से वापस किए जाए। ये जानना चाहता हूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सेबी बहुत स्लो काम कर रहा है, अभी दो साल में कुछ सैकड़ा ही पैसा इकट्ठा करके दिया जा चुका है। इनका पब्लिक केस में प्राइवेट कंपनी से संबंध है, जहाँ तक सेबी है वो वित्त मंत्रालय के तहत है, इससे सवाल से संबंध नहीं है। आप श्री रामनाथ चौधरी रामटहे चौधरी गरीब किसान मजदूरों का गाड़ी पसीने की कमाई का पैसा दुगुना करने के लालच देकर कई चीज पर कंपनियां पैसा हथिया कर चलती बनती है। ऐसे अनेकों कपटपूर्ण धोखाधड़ी करने वाले कंपनियां के कारनामों के बारे हर दूसरे तीसरे महीना जानकारी मिलती है। जब ये कंपनियां अपने प्रचार और प्रसार का काम करती है तो पुलिस और जिला अधिकारियों को सब पता होता है। मेरे गृह राज्य झारखंड में एक भी चिट फंड की कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं, परंतु उसके नाम पर फिर भी साधार डिजेशन कम्युनिटीज टीएस नाम सर्जनी बिल्डकॉन आदि झारखंड के लोगों को पैसा लेकर गायब है। अभी भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे हैं जो लेनदारों का पैसा नहीं दे रहे हैं। सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार इस पर कदम उठाए हैं, जिसके अनुचित लाभ के लिए कंपनियों की पहचान कर उनको रद्द भी किया जा रहा है। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी ये सरकार ने 24 कंपनियां चिन्हित 1956-1913 के प्रावधान के लिए 15 मामले में शामिल 4 कंपनियों के विरुद्ध दायर किए गए जो न्यायाधीन है। मैं जानना चाहता हूँ कि अन्य मामलों में जो और अन्य कंपनियां हैं उसकी जांच कब तक पूरी होगी, और भविष्य में इस तरह का कार्य न हो इसके लिए कड़ी दंड का प्रावधान होना चाहिए। छोटी छोटी चोरी केस में आप जेल भेजते हैं, अब करोड़ों हफ्ते हैं और इन पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बहुत दुर्घटनाक है, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक प्रावधान का मामला है, जैसे उन्होंने ये बताया पब्लिक कंपनी जो इन्होंने ये भी बताया पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक सेक्शन 73 में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों डिपॉजिट दे सकती है, लेकिन सेक्शन 76 के तहत सिर्फ पब्लिक कंपनी डिपॉजिट दे सकती है। लेकिन इसी तरह का अगर सेक्शन 73 और सेक्शन तो उसमें आपने कहा कि इसमें पनिशमेंट बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट एक्ट है 2013 के एक्ट का प्रावधान है इसका, और अगर कोई एग्रीड है तो वो एनसीएलटी के पास में जा सकता है और उसके बाद में पनिशमेंट के लिए रेगुलर कोर्ट के पास जा सकता है, लेकिन कंप्लीट जो है वो पनिशमेंट का बहुत ही प्रावधान लगा हुआ है इसमें। शिवाजी
तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।